अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको विजिट करवाने लाए हैं एक कनाल ब्रांड न्यू स्पेनिश स्टाइल हाउस, जो कि लोकेटेड है डीएचए मुल्तान के सेक्टर एम में। सबसे पहले हम आपको इसका स्ट्रीट व्यू करवाते हैं जी। इसका स्ट्रीट व्यू, लोकेशन की बात की जाए तो नियर टू 150 फीट रोड है ये, और जो इसकी लेफ़्ट साइड है इसके कमर्शियल मार्केट, पार्क, मस्जिद इसके वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बहुत ही प्राइम लोकेशन का ये घर है। घर की फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो स्पेनिश स्टाइल में घर को तैयार किया गया। बहुत ही अलग क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन की गई है, ए प्लस क्वालिटी का काम किया गया कंप्लीट घर में। फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। टू साइडेड इसमें आपको टेरेस दिया गया, राइट साइड पर भी टेरेस दिया गया और लेफ्ट साइड पर भी आपको एक बड़ा टेरेस दिया गया। कलर स्कीम आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी यूज़ की गई है। वाइट कलर का दोनों साइडों पर विंडो पैनल का इस्तेमाल किया गया फ्रंट एलिवेशन में, साथ ही बहुत ही खूबसूरत फैंसी लाइट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। घर का आपको इस पर क्लोजअप लुक करवाते हैं। ये इसका क्लोजअप लुक। टेरेस पर जो ग्रिल लगाई गई है, ब्लैक कलर की ग्रिल यूज़ की गई है, और जो गेट है ये आपको डल ब्लैक कलर का गेट तैयार किया गया, बहुत ही खूबसूरत। घर का आपको साइड से कंप्लीट व्यू करवाते हैं जी। इसका ये आप देख रहे हैं कंप्लीट व्यू घर का, और यहाँ से आपको क्लोज व्यू करवाते हैं। साथ ही आपको एक एक्सटर्नल लॉन की स्पेस दी गई है, और इसका ये कार रिम मैट टाइल यूज़ की गई है। चलते हैं घर के अंदर और आपको अंदर का टूर करवाते हैं। ये इसका गेट, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। चलते हैं घर के अंदर। घर की प्राइस, फ्लोर प्लान आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये इसका कार पोर्च, कार पोर्च में भी मैट टाइल यूज़ की गई है, और ये इसके राइट साइड पे आपको एक बड़ी स्पेस का लॉन दिया गया। पार्किंग स्पेस की बात की जाए तो इसमें आप 3 से 4 बड़ी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। और ये इसका ये सीलिंग डिज़ाइन जी, ये डीएचए बायलास के मुताबिक आपको 4 फीट की गली दी गई है। गली से आपको घर के बैक का व्यू करवाते हैं। यहाँ पे जो टाइल्स यूज़ की गई हैं, मैट टाइल्स यूज़ की गई हैं। और ये जी इसका वॉशिंग एरिया, और ये आपको स्टेयर दी गई है सर्वेंट रूम पर जाने के लिए। ये इसका सर्वेंट रूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। घर की टॉप पर जाने के लिए भी आपको यही स्टेयर यूज़ करनी पड़ेगी। और ये गली दोबारा लेफ्ट होकर आपको फ्रंट पर दोबारा टच करती है, फ्रंट लॉन साइड पर। चलते हैं घर के फ्रंट साइड पर, आपको घर के अंदर का टूर करवाते हैं जी। ये घर की मेन एंट्रेंस, ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू करवाते हैं मेन एंट्रेंस का। गेट्स देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया मेन एंट्रेंस का। ब्लैक कलर का गेट दिया गया आपको, जिसमें साथ फैंसी ग्लास लगाया गया, बहुत ही खूबसूरत डबल हाइटेड गेट है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, हैंगिंग लाइट्स यूज़ की गई हैं। चलते हैं मेन घर के अंदर जी। ये इसकी मेन एंट्रेंस, और ये इसकी ये टाइल्स, और ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी दी गई है आपको, बहुत ही खूबसूरत फनूस लगाया गया, साथ फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। और सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट साइड पर है आपको पाउडर रूम दिया गया, और ये राइट साइड पर ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम आपको दिया गया। पाउडर रूम दिखाते हैं आपको, इसका पाउडर रूम, इसका अमेनिटी, और ये इसका कमोड, और ये इसके टाइल्स देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत इंपोर्टेड टाइल्स यूज़ की गई हैं और टॉप तक लगाई गई हैं। और ये इसका ड्राइंग रूम का डोर, सॉलिड वुड से दरवाजे तैयार किए गए हैं, साथ ही फैंसी ग्लास यूज़ किए गए दरवाज़ों में। ये इसका ड्राइंग रूम, ब्राउन कलर की टाइल्स यूज़ की गई हैं, और ये इसका बहुत ही आला खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। सामने टोटली वॉल डेकोर किया गया है। एक फुल साइज़ की आपको 3 विंडो दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से आप बाहर लॉन का भी व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को डिज़ाइन किया गया। डाइनिंग का जो एरिया आपको ये ओपन ही दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू करवाते हैं। ये इसका कंप्लीट व्यू, एक बहुत ही अच्छी स्पेस का आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दिया गया। चलते हैं यहीं से लिविंग एरिया की तरफ, लिविंग एरिया दिखाते हैं आपको। यहाँ पर स्टेयर्स दी गई हैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, और लेफ्ट साइड पे ये किचन का डोर दिया गया,
सबसे पहले किचन दिखाते हैं आपको इसका, इसका किचन का डोर, ये जी इसका ग्राउंड फ्लोर का किचन, टाइल्स, शीट्स देख रहे हैं आप, बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई हैं शीट्स, और चूल्हा इंस्टॉल है, हुड भी इंस्टॉल किया गया है, फ्रिज की आपको स्पेस दी गई है इधर, इसमें आप डबल कैबिन फ्रिज अपना एडजस्ट कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन के लिए भी आपको स्पेस दी गई है, किचन की जो तमाम एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ से आप दिखाते हैं, ये आप देखें, साथ ही आपको डर्टी किचन भी दिए गए, यहाँ पे आप माइक्रोवेव ओवन की सेटिंग कर सकते हैं, साथ ही खूबसूरत लाइट्स यूज़ की गई हैं किचन में, डर्टी किचन दिखाते हैं आपको इसका, जी इसका डर्टी किचन, यहाँ भी जो शीट्स हैं बहुत ही अलग क्वालिटी की यूज़ की गई हैं, ब्राउन कलर की शीट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही स्लैब जो है ग्रेनाइट मार्बल की यूज़ की गई है, चूल्हा इंस्टॉल है, हुड भी इंस्टॉल किया गया है, साथ ही आपको गली के लिए डोर दिया गया है, गली में जाने के लिए एक कनाल में बहुत ही खूबसूरत किचन तैयार किया गया मॉडर्न स्टाइल में। चलते हैं लिविंग एरिया दिखाते हैं आपको इसका, जी इसका लिविंग एरिया, और ये इसके टाइल्स, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने विंडो दी गई है आपको वेंटिलेशन के लिए फुल साइज़ की, और ये सामने इसकी मीडिया वॉल, ग्राउंड फ्लोर पर आपको टोटल 2 बेडरूम दिए गए हैं, टोटल 5 बेडरूम का ये हाउस है एक कनाल का, DHA सेक्टर M में। सबसे पहले आपको इसका ये फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम, और ये इसके टाइल्स, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने विंडो दी गई है आपको वाइट कलर का विंडो पैनल वेंटिलेशन के लिए, साथ ही इसका ये अटैच वाशरूम, फुल साइज़ की कबर्ड्स दी गई हैं वाशरूम के अंदर ही, और ये इसका वैनिटी, वाशरूम का जो साइज़ है बहुत ही अच्छी स्पेस का आपको वाशरूम दिया गया, और इसका ये शावर एरिया, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। चलते हैं सेकंड बेड दिखाते हैं आपको, जी इसका ये सेकंड बेडरूम जो कि मास्टर बेड है, और ये इसका ये सीलिंग डिज़ाइन, टाइल्स देख रहे हैं आप, वेलवेट के पर्दे विंडो पर लगाए हैं मैं ऑलरेडी घर में, और ये इसका अटैच वाशरूम दिखाते हैं, जिसका अटैच वाशरूम, ये इसका अमेनिटी, और ये फुल साइज़ की कवर्स दी गई हैं वाशरूम के अंदर ही यहाँ भी, और ये इसका फैंसी ग्लास, इसका हैंगिंग कमोड्स, और ये शावर एरिया आपको सेपरेट दिया गया बिल्कुल, ये सेपरेट शावर एरिया, टाइल्स जो हैं वाशरूम में तमाम जो रूम्स हैं उसके साथ जो वाशरूम है वो टाइल्स टॉप तक यूज़ की गई हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं इंपोर्टेड। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और आपको फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करवाते हैं, जी इसका स्टेयर डिज़ाइन, ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया, साथ फैंसी ग्रिल लगाई गई है ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक कलर, जी ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ जो हमको वेलकम करता है ये इसका लिविंग एरिया, और ये इसकी ये टाइल्स, और ये इसका बहुत ही आला सीलिंग डिज़ाइन, बहुत ही यूनिक सीलिंग डिज़ाइन है इसका, और ये इसकी मीडिया वॉल, इसमें वॉल डिकोर किया गया, वॉल पेपर के लिए भी स्पेस है जो कि बाद में लगेंगे वॉल पेपर, आप इसमें अपनी मर्ज़ी का वॉल पेपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ओपन किचन दिया गया है, इसका ओपन किचन फर्स्ट फ्लोर के लिए, किचन के लिए जो शीट्स का इस्तेमाल किया गया बहुत ही अलग क्वालिटी की शीट यूज़ की गई है, कलर स्कीम भी बहुत अच्छी यूज़ की गई है, और यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया शेल पे, चूल्हा इंस्टॉल है, हुड भी इंस्टॉल किया गया। यहाँ से आपको लॉबी का व्यू करवाते हैं, डबल हाइट लॉबी दी गई है आपको घर में, ये डबल हाइट लॉबी इसकी बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर पर आपको टोटल 3 बेड्स दिए गए हैं, टोटल 5 बेडरूम का ये हाउस है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम, और ये इसकी टाइल्स, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये विंडो दी गई है आपको वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से आप बाहर का भी व्यू कर सकते हैं, और ये इसका अटैच वाशरूम, इसकी टाइल्स, यहाँ पे जो आपको अलमारी है वो घर के वाशरूम के अंदर ही दी हुई है,
और ये इसका वैनिटी, और ये इसका शावर एरिया सेपरेट है। यहाँ पे जो टाइल्स की स्कीम है ब्लैक और वाइट टाइल्स की स्कीम यूज़ की गई। चलते हैं सेकंड बेड दिखाते हैं आपको। इसके बिल्कुल सामने आपको सेकंड बेडरूम दिया गया, ये जी इसका सेकंड बेडरूम, और ये इसकी ये टाइल्स मोस्ट सब रूम में सेम यूज़ की गई हैं। और ये इसका ये सीलिंग डिज़ाइन, सामने वॉल डेकोर हुआ हुआ है, वॉलपेपर अभी इसमें लगना बाकी है। और साथ ही आपको ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। एक छोटा आपको फैमिली टेरेस दिया गया, साथ ही इसका अटैच वाशरूम, इसका अमेनिटी, और ये इसके वाशरूम के अंदर ही कबर्ड दी गई है। वाइट कलर की शेड्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही अलग क्वालिटी है। फुल साइज की कबर्ड दी गई है आपको वाशरूम के अंदर ही। और ये इसका ये शॉवर एरिया, रेन शॉवर इसमें इंस्टॉल किया गया। और जो टाइल्स देख रहे हैं इसके साइड पे जो बॉर्डर है एंड फैंसी लाइट्स यूज़ की गई हैं, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं सेकंड थर्ड बेडरूम की तरफ, आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। तीसरा जो इसका बेडरूम है वो आपको फ्रंट पर दिया गया, फ्रंट साइड पर घर की। चलते हैं घर की फ्रंट साइड पर और आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये जी इसका थर्ड बेडरूम, ये वॉल डेकोर किया गया, ये इसकी टाइल्स, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। फुल साइज की विंडो दी गई है, यहाँ से आप टेरेस पर भी जा सकते हैं और टेरेस व्यू भी कर सकते हैं। वॉशरूम दिखाते हैं आपको इसका, ये जिसका अटैच वाशरूम, बहुत ही आला। ये इसकी वैनिटी, और ये इसका शावर एरिया, सेपरेट शावर एरिया। और जो इसके बिल्कुल सामने आपको अपोजिट हैंगिंग कमोड लगाया गया है। वॉशरूम की जो एक्सेसरीज है टोटल इम्पोर्टेड एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। और जो वॉश डोर्स हैं पूरे घर के सॉलिड वुड से तैयार किए हैं, बहुत ही अलग क्वालिटी के। जी ये थर्ड बेडरूम का व्यू आपने कर लिया। चलते हैं इसके फोर बेड की तरफ। बाय मिस्टेक इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर हैं आपके टोटल फोर बेडरूम दिए गए हैं, मैंने आपको पहले थ्री बेड्स बताए थे, टोटल ये सिक्स बेडरूम का ये हाउस है। टू बेड इसके ग्राउंड फ्लोर पर हैं और फोर बेड इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं। क्या हम इसका फोर बेडरूम देख रहे हैं, इसका फोर बेडरूम, और ये इसकी टाइल्स, इसका सीलिंग डिज़ाइन। सामने आपको फुल साइज की विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, साथ ही आपको टेरेस पर जाने का रास्ता दिया गया। टेरेस का भी आपको बाद में करवाते हैं, सबसे पहले इसका वाशरूम दिखाते हैं आपको। ये इसका अटैच वाशरूम, इसका अमेनिटी, और ये वाशरूम के अंदर ही यहाँ भी आपको फुल साइज की कवर्स दी गई हैं। और ये इसका ये शॉवर एरिया, और इसका ये हैंगिंग कमोड्स, टाइल्स यहाँ भी टॉप तक यूज़ की गई हैं, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। आइए चलते हैं आपको इसका टेरेस व्यू करवाते हैं। जी ये टेरेस पर आ गए, टू साइडेड आपको बताया था कि टेरेस दी गई है जो कि दोनों रूम के साथ अटैच है फ्रंट वाले, या हम एक रूम के फ्रंट टेरेस पर मौजूद हैं। यहाँ से आप लोकेलिटी व्यू कर सकते हैं, तकरीबन इर्द गिर्द काफ़ी घर बने हुए हैं और कमर्शियल मार्केट भी इसके वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और ये पार्क भी बिल्कुल आपके करीब ही है। घर की प्राइस की बात की जाए तो 5 करोड़ इसकी डिमांड है। मज़ीद डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।